मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद के सहजनवा तहसील के पाली विकास खंड में ग्राम चर्राओ माठ विडार के बाढ़ से प्रभावित 50 लोगों को राहत सामग्री वितरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के साथ साथ बाढ़ की त्रासदी से आप सभी को जूझना पड़ रहा है, इसलिए आप सभी के साथ इस दुख का सहभागी बनने के लिए मैं विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा कि सुख एवं दुख जीवन के पहलू हैं। हमारे सामने कोरोना का संकट है और साथ ही बाढ़ की त्रासदी से भी जूझना पड़ रहा है, तो वहीं आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पावन दिवस भी है। भगवान कृष्ण का जन्म हम सबको सत्य एवं न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। विपत्ति में धैर्य ना खोने और मजबूती से हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और दुनिया के सामने संकट का दौर जरूर है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए निर्णय और जनता ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के आह्वान पर जिस प्रकार से समर्थन किया है, उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश दुनिया के किसी भी अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। उन्होंने आगे कहा कि हमें कोरोना से भी बचना है और बाढ़ की त्रासदी का भी सामना करना है। इसके लिए प्रत्येक पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं भी देश के अलग जनपदों में कोरोना वायरस से बचाव एवं बाढ़ से बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहा हूं, साथ ही मेरे अन्य मंत्री भी अलग अलग मंडल में जाकर जनता को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी पीड़ित राहत से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री के अलावा यदि किसी का मकान टूट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है या पशुधन की हानि होती है तो उसे सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों का सर्वे कराकर जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें भी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करते हुए कहा कि प्रतिदिन 1,00,000 से अधिक जांच की जा रही है। व्यापक पैमाने पर टेस्ट के बावजूद भी कोरोना से सावधानी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार 60 साल से अधिक के व्यक्ति गर्भवती महिलाएं छोटे बच्चे घरों से बाहर ना निकले तथा कहीं भी संदेह हो तो तत्काल जांच कराएं। समय से चिकित्सा होने पर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। ग्राम माटी रीमा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूरी से रमा शंकर ग्राम पोहार धार से रमा शंकर कैलाशी बिरार से कैलाशी मोती कैलाशी के बाद मोती आज इस बाढ़ राहत सामग्री का वितरण होता हुआ मोती श्री मोदी जी को बाढ़ राहत सामग्री का की प्राप्ति होती हुई तत्पश्चात अकाली ग्राम चंद्राम से अकाली बाढ़ राहत सामग्री में आटा चावल भुना चना अरहर दाल नमक हल्दी के साथ बाढ़ राहत सामग्री को प्राप्त करती हुई अकाली निर्मल ग्राम मार्ग से निर्मल सनक श्री प्यारे बाढ़ की विभीषिका से जूझते हुए इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से बाढ़ राहत सामग्री प्राप्त होती हुई निर्मल शोभा प्रसाद ग्राम बिड़ार से श्री शोभा प्रसाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से जूझने के लिए वरद प्राप्त होता हुआ श्री रमेश चढ़राम से श्री रमेश ग्राम चढ़राम से श्रीपति
कहा जाता है श्रीपति ग्राम चढ़राम से अनीता ग्राम मार्ग से अनीता बाढ़ की विभीषिका से जूझते हुए लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्य अनीता श्री गणेश हम सभी विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने मुखारबंद से हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। सहजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री शीतल पांडे जी, आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री अश्विनी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दृष्टि सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री रामजयन मौर्य जी, इंडिया वाहनी से श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राम प्रकाश शुक्ला जी, जिला महामंत्री श्री आरडी सिंह जी, विजय बहादुर सिंह जी, विष्णु प्रताप सिंह जी, रामदयाल सिंह जी, दया शंकर सिंह जी, पूर्व प्रमुख श्री परमेश्वर राज जी, भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता श्री परमात्मा मिश्र जी, राजेश त्रिपाठी जी और यहाँ पर उपस्थित पाली विकासखंड से जुड़े हुए सभी चटराओं और आसपास के गांवों के जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, यहाँ के सभी मीडिया से जुड़े हुए हमारे पत्रकार के बंधुगण, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड में बाढ़ की इस त्रासदी से आप सबको जूझना पड़ रहा है और इसलिए आप सबके साथ आपके इस दुख में सहभागी बनने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। पाली विकास खंड या सहजनवा विधानसभा क्षेत्र या गोरखपुर का कोई भी क्षेत्र मुझसे अछूता नहीं है। जीवन में सुख और दुख ये जीवन के दो अभिन्न पहलू है। अगर हमारे सामने कोरोना का संकट है और उसके साथ ही बाढ़ की त्रासदी से भी जूझना पड़ रहा है तो आज भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्म जयंती जन्माष्टमी का पावन दिवस भी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हम सबको धर्म सत्य और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। विपत्ति में धैर्य न खोने और मजबूती से हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। देश और दुनिया के सामने संकट का दौर जरूर है लेकिन भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय से लिए गए निर्णय और साथ साथ कोरोना कालखंड में जनता जनार्दन ने केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान पर जिस प्रकार का सहयोग किया है इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में हम देश और दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन हमें कोरोना से भी बचना है और बाढ़ जैसी त्रासदी का भी सामना करना है। उत्तर प्रदेश सरकार हर एक पीड़ित परिवार तक राहत पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं स्वयं पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपद में कोरोना की तैयारी और कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा तो कर ही रहा हूं लेकिन साथ साथ मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण अलग अलग दिन अलग अलग जनपद में जाकर के जनता को राहत प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं और प्रशासन को स्पष्ट हिदायत है कि वह
किसी भी पीड़ित को राहत से वंचित न होने दें। हम मान सकते हैं एक साथ कई प्रकार की त्रासदी से हमें जूझना पड़ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद न हिम्मत हारेंगे और न धैर्य खोएंगे, बल्कि इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए, चुनौतियों को पस्त करते हुए, हर प्रकार की चुनौतियों को पस्त करते हुए हम लोग जनता को राहत देने का कार्य करेंगे। और आज राहत देने के इसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं चढ़ रहा हूं, आसपास के क्षेत्र के लोगों के बीच में जन्माष्टमी के अवसर पर आया हूं। इस अवसर पर मैं उन सभी को जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स बनकर के कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते हुए आम जन को राहत दी है, उन सबको नमन करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते स्वयं अपने प्राणों की आहुति भी दी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सचमुच वे असमय गए, लेकिन एक प्रेरणा छोड़ करके गए कि बचाव ही सबसे बड़ा उपचार हो सकता है। कोरोना से बचाव, दो गज की दूरी और मास्क जरूरी। ये दो गज की दूरी हम लोग ध्यान में रखें कि अगर कोई कोरोना संक्रमित है, चूंकि 85% मामले ऐसे हैं जहां लक्षण नहीं दिखते, उन स्थितियों में एक दूरी पता नहीं किसमें लक्षण है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों की जांच कराई जाए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1,00,000 टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उस सबके बावजूद प्रदेश की आबादी 24 करोड़ की है। देश और दुनिया में जो उत्तर प्रदेश के वासी रह रहे हैं वे भी भाग करके आ रहे हैं, उनके लिए भी हमें व्यवस्था देनी है। उन स्थितियों में व्यापक पैमाने पर टेस्ट कराए जाने के बावजूद भी हम सबको सावधानी रखना जहां इसके प्रति आवश्यक है, वहीं साथ ही साथ इंसेफ्लाइटिस के लिए के प्रति, डेंगू के प्रति, कालाजार के प्रति, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज जितनी भी है, इन वेक्टर जनित बीमारियों से भी बचाव के लिए हम लोगों को निरंतर प्रयास करना है। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए हमने शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी की घोषणा की है। इस साप्ताहिक बंदी स्वच्छता अभियान को समर्पित किया है, पूरी तरह स्वच्छता, स्वच्छता को, सैनिटाइजेशन को, फॉगिंग को हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया, उसका परिणाम क्या है देखिए। हम लोगों ने 3 वर्ष में मस्तिष्क ज्वर से गोरखपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य जुलाई से लेकर के मध्य नवंबर तक 1200 से 1500 लोगों की मौत होती थी। 2017 से पहले के आंकड़े आप उठा करके देखें, लेकिन 2017 के बाद जो क्रमबद्ध ढंग से कार्यक्रम चलाए गए, आज उसका परिणाम है कि मौत के आंकड़े 90% कम हुए हैं। और इस वर्ष भी जो कार्यक्रम अभी विगत माह ही में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर और बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक लेकर के सबको एक कार्यक्रम सौंपा था कि कहीं भी मस्तिष्क ज्वर से, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो, चाहे वह डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, उनसे मौत नहीं होनी चाहिए, इसको रोकने की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और जनता जनार्दन ने सहयोग किया, प्रशासन ने युद्ध स्तर पर कार्य किया, उसका परिणाम है कि पिछले वर्ष हम 90% तक मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफल हुए। और इस बार जो पिछली बार भी मौत हुई थी और उससे मरीज आए थे, उससे भी आधे मरीज और आधे से कम मौत इस बार हुई है। ये एक सफलता पूर्वक एक कहानी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के सामने रख रहा है। शासन प्रशासन के साथ जब जनता का सहयोग होता है तो परिणाम सामने आता है, और उसी परिणाम के लिए आज फिर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहां पर आया हूं। हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जहां तक हो सके शारीरिक दूरी बनाए रखने का कार्य, जितने भी उम्र दराज लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर न निकलें। जो लोग पहले से ही तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं वे लोग भी घर से बाहर निकलने में परहेज करें। गर्भवती महिलाएं, कमजोर लोग, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर,
या 10 साल से कम उम्र के बच्चे ये घर से बाहर ना आवश्यक हो तो कोई आवश्यकता नहीं कि वे घर से बाहर निकले, लेकिन साथ साथ अन्य लोगों को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। डोर टू डोर सर्वे के आधार पर जो भी व्यक्ति जिसको लगता है उसको फीवर आ रहा है, कहीं कोई संदेह है तत्काल जाकर के अपनी जांच करा ले, कंट्रोल रूम में अपना फोन करवा करके वहां अपनी जांच करवा करके, और अगर दुर्भाग्य से कोरोना पॉजिटिव आ गया तो कोई अपराध नहीं, तत्काल जाकर के शासन ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के तहत हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा लेना, समय से चले जाएंगे स्वस्थ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर देर करेंगे दिक्कत हो जाएगी, घर के लोगों को फैल सकता है, गांव के लोगों को फैल सकता है बीमारी, इसलिए उसके प्रति सावधानी आवश्यक है। दूसरा, बाढ़ जैसी त्रासदी को बचाव करने के लिए भी उपाय किया जा रहा है। मुझे बताया गया इधर तो बखेरा झील है, कई बार मैं यहां आया हूं, लेकिन जब मैं इधर से आया था तिलोरा की तरफ से आया हूं, कितना पानी भरा हुआ है, सब बरसात का पानी है, भारी बरसात हुई है। समय के पहले 15 दिन पहले मानसून आया है, भारी बरसात के कारण व्यापक जल जमा हुआ है, और मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, अभी प्रारंभिक रूप में हम राहत दे रहे हैं सभी पीड़ित परिवारों को। राहत में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाला और 5 लीटर मिट्टी का तेल देने की व्यवस्था भी हम लोगों ने इसके साथ की है। लेकिन साथ साथ जिन किसान भाइयों को फसल का नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करके इसके बाद उनको भी हम लोग राहत देने का कार्य करेंगे, जिससे वे किसान भी इस आपदा से अपने आप को तैयार कर सकें। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना के खिलाफ अप्रैल से ही 2 बार महीने में राशन देने की व्यवस्था की गई है, और ये निरंतर हर गांव में हर उस पीड़ित परिवार को जिसके जो भी हर परिवार को ये राशन दिया जा रहा है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन देने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके पास रसोई गैस नहीं है रसोई गैस उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है, अन्य हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। आपदा में दुखद अगर किसी की मौत होती है 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है, और साथ ही साथ अगर कहीं सर्वतन से कोई मौत हो जाती है 4 लाख रुपए की उस परिवार को सहायता की जा रही है। किसी का मकान टूट जाता है, किसी का पशुधन की हानि होती है, उन सबको भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार संकट की इस घड़ी में आपके साथ में है, और आपके इस दुख दर्द में सहभागी बनने के लिए आप विशेष रूप से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख और शांति लेकर के आए, और यहां पर जो हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, मैं श्री शीतल पांडे जी को, श्री सुनील त्रिपाठी जी को, श्री रामजियान मौर्य जी को, श्री युधिष्ठिर सिंह जी को, श्री सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी को, श्री रामप्रकाश शुक्ला जी को, इन सबसे कहूंगा कि जब तक बाढ़ की त्रासदी कम नहीं होती है तब तक ये लोग निरंतर क्षेत्र में बने रह करके जनता की सेवा करें, और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो ये लोग मुझे फोन करके अवगत करा दें, हम उस समस्या का समाधान करेंगे, जिससे किसी भी जनता जनार्दन को कहीं कोई दिक्कत न होने पाए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अपनी हृदय से बधाई देता हूं, और साथ साथ आज के इस अवसर पर राहत के इन कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रत्येक पीड़ित परिवार तक हम पहुंचाएंगे, इस बात का भी आश्वासन देते हुए हर घर तक राहत पहुंचेगा, इस बात का आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।